आज जिस सिंह आम आदमी पार्टी को मिलने वाले फंड और पैसों के लेन देन को लेकर करेंगे बड़ा खुलासा। सबूतों के साथ मीडिया से होंगे मुखातिब। किंगरा बोले, खुलासे के बाद खुल जाएगी आम आदमी पार्टी की ईमानदारी की पोल। आज चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस विधायक दल की बैठक। 8 सितंबर से शुरू हो रहे मानसून सत्र की रणनीति पर होगी चर्चा। कांग्रेस ने की मानसून सत्र की अवधि बढ़ाए जाने की मांग। एक महीने में दूसरी बार आज जालंधर में होगा मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का संगत दर्शन। 18 अगस्त को सीएम ने जालंधर में ही ईसाई समुदाय के लिए की थी कई घोषणाएं। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने आम आदमी पार्टी की फंडिंग को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जिस भी पार्टी को पैसा विदेश से आ रहा है उसकी तह तक जांच होनी चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार है। सुच्चा सिंह छोटेपुर बोले, नहीं था मेरे खिलाफ कोई स्टिंग, सिर्फ मुझे ब्लैकमेल करने के लिए रची गई साजिश। कहा अब आम आदमी पार्टी में नहीं रुकेगा डैमेज कंट्रोल, जो आप ज्वाइन करेगा उसका भी होगा डैमेज। सुच्चा सिंह के समर्थकों का आज खत्म होगा अल्टीमेटम। समर्थकों ने सुच्चा सिंह की बहाली और बाकी कई टिकटों को रद्द करने की हाईकमान से की है मांग। खन्ना के पार्टी कार्यालय में जड़ेंगे ताला। सांसद भगवंत मान की ओर से नीला कार्ड धारकों की तुलना भिखारियों से करने वाले बयान का तेज हुआ विरोध। सड़कों पर उतरे लोग, शिरोमणि अकाली दल ने भी किया बयान के खिलाफ प्रदर्शन। नेता विपक्ष चरणजीत सिंह चन्नी बोले, सरकार की ओर से अभी तक नहीं आई है मानसून सत्र के 8 सितंबर से शुरू होने के बारे में कोई जानकारी। बोले सरकार के खिलाफ कांग्रेस के पास कई मुद्दे। जाखड़ बोले, बरगाड़ी गोलेकांड की रिपोर्ट सार्वजनिक करे सरकार। शिरोमणि अकाली दल ने एक फिल्म बनाई है जिसे पंजाब के गांव गांव में दिखाया जाएगा और सूबे की जनता को अकाली दल के इतिहास से अवगत करवाया जाएगा। इस फिल्म में अभिनेता ओम पुरी की आवाज है। कांग्रेस नेता डॉक्टर राजकुमार वेरका ने कहा कि नवजोत कौर सिद्धू ने नवजोत सिंह सिद्धू को बीजेपी के सांसद पद से और अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता को आयकर विभाग की नौकरी से मुख्यमंत्री पद के लिए इस्तीफा दिलवाया है, लेकिन इन दोनों का सपना कभी साकार नहीं होगा। डॉक्टर राजकुमार वेरका के आरोपों पर नवजोत कौर सिद्धू ने भी पलटवार किया। मिसेस सिद्धू ने कहा कि डॉक्टर वेरका खुद उन्हें बार बार फोन कर रहे थे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। मिसेस सिद्धू ने पंजाब में तीसरे विकल्प की तरफ इशारा करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी निशाना साधा। पंजाब विश्वविद्यालय में 7 सितंबर को छात्र संघ के चुनाव होने हैं, लिहाजा सभी सियासी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। दावे और वादे किए जा रहे हैं। नामांकन 2 सितंबर को सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। पंजाब में सामने आ रही धार्मिक ग्रंथ बेअदबी की घटनाओं से लोगों में गुस्सा है। सिख जथेबंदियों ने इस तरह की घटनाएं रोकने में सरकार को नाकाम बताया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी की मांग है कि इस मामले के असल दोषियों को पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। जमीन सौदों की जांच पर ढींगरा आयोग ने हरियाणा सरकार को सौंपी रिपोर्ट। 182 पन्नों की रिपोर्ट में जमीन सौदे में गड़बड़ियों का जिक्र। सीएम बोले, कानून के हिसाब से होगा काम। हुड्डा ने कहा, बदले की भावना से हो रही है कार्रवाई। हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र के चौथे और आखिरी दिन सदन में पास हुआ विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने संबंधी बिल। 30,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए प्रतिमाह की हुई बढ़ोतरी। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता भी बढ़ाया गया। कानून व्यवस्था के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री खट्टर ने ग्रीन ब्रिगेड द्वारा अवैध कब्जा करने की बात कही तो इनेलो ने जताया सख्त एतराज। मेवात के तावड़ू गांव में हत्या, मारपीट और गैंगरेप मामले में एसआईटी का गठन। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात। मुलाकात के बाद सीएम बोले, हिमाचल प्रदेश में बिजली की समस्या के साथ साथ भाखड़ा और पोंग डैम बनने से बर्बाद हुए लोगों के पुनर्वास को लेकर भी हुई चर्चा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का राज्य सरकार को बड़ा झटका। वैध निर्माण को नियमित करने के सरकार के फैसले को करार दिया गैर कानूनी। सरकार की रिटेंशन पॉलिसी का खुद संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण नियमित नहीं किए जाने के दिया आदेश।
आने वाले दिनों में शिमला को पानी की किल्लत से छुटकारा मिलने की जगी उम्मीद। कोल डैम और बिलासपुर से पानी की सप्लाई के लिए वर्ल्ड बैंक करेगा नगर निगम की मदद। हर पहलू की जांच करने में जुटी शिमला पहुंची वर्ल्ड बैंक की टीम। बारिश के बाद एक बार फिर गुरुग्राम में धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार, लेकिन पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी से वहां जाम लगने से बचा। फिर भी स्लो ट्रैफिक की वजह से घंटों हाईवे पर फंसे रहे लोग। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की खबर का असर एक बार फिर हुआ है। नवांशहर के बलाचौर में फर्जी एजेंट द्वारा 400 से ज्यादा लोगों को ठगे जाने की खबर दिखाई गई थी। खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और ट्रैवल एजेंट और इमिग्रेशन एजेंट्स को जल्द से जल्द अपने लाइसेंस जमा करवाने के निर्देश दिए गए। नवांशहर के रहने वाला अमनदीप कामकाज की तलाश में कुवैत गया था, जहां उसकी और उसके कुछ दोस्तों की मिस्र के लोगों से लड़ाई हो गई, जिसके बाद कुवैत सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और तब से ही उन सभी से कोई संपर्क नहीं हुआ है। अमनदीप के परिजन सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। फिरोजपुर में किसान फसल पर कीड़े की मार से परेशान हैं। किसानों ने दावा किया कि विक्रेता पर नकली दवाई की विक्रेता ने दी है। किसानों का कहना है कि नकली दवाई से उनकी फसल खराब हुई है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु आज रेल यात्रियों को देंगे बड़ी सौगात। IRCTC की वेबसाइट पर टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को 1 रुपए से भी कम पैसे में मिलेगा 10 लाख का यात्रा बीमा। दिल्ली में आज कई और नई स्कीम लॉन्च करेंगे रेल मंत्री। पाकिस्तान के खिलाफ इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के मोर्चे पर और मजबूत हुआ भारत। जल्द ही बलूच भाषा में बुलेटिन शुरू करेगा ऑल इंडिया रेडियो। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर तक होगी सिग्नल की पहुंच।